मृतकों को न्याय करने को आएंगे। मैं अपने शरीर के पुनरुत्थान और जन्म में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु भय से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए। कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों की महिमा हो। जैसे वे आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आनंद के पांच भेद। पहला भेद, माता मरियम को स्वर्ग दूत का संदेश। इस भेद में हम यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को जो यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर अच्छे से सही सलामत पहुँचने के लिए माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भय से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी अब और सदा सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कर, नए आग से मैं बचा, सारी आत्माएं जिन्हें तेरे त्याग की आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। अभी मरिया Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
सा भेद माता मरियम की एलिजाबेथ से भेंट। इस भेद में हम ब्रदर मारियो को माता मरियम के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें मिले, ताकि वे आपके वचनों को जो आप हमसे कहना चाहते हैं लोगों तक पहुंचा सके। इस विशेष मतलब के लिए माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा। प्रणाम प्रणाम हे मां मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। हे संत मरिया ईश माता, विनती कर हम पापी निकाते अब बिंदी।
सभी पापों को क्षमा कर, नया ज्ञान से हमें बचा, सारी आत्माएं जिन्हें तेरे कृपा की बड़ी आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। इस भेद में हम यहाँ पर आए सभी लोगों मनो माता मरियम के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि माता मरियम उन सभी की प्रार्थनाओं को पूरा करे। इस मतलब के लिए हम माता प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे सदादि में थे और काल तक सदा रहेगी। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कर, नरक आग से हमें बचा, सारी आत्माओं को विशेष कर उन्हें स्वर्ग में ले जा। अभी मरिया। चौथा भेद, प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पित किया जाता है।
इस भेद में हम सभी बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो यहाँ माता मरियम के द्वारा चंगाई पाने यहाँ पर आए हैं। प्यारे प्रभु, हम माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको ईश्वर का विशेष स्पर्श मिले, ताकि वे अपने रोग से चंगी हो सके। इस विशेष मतलब के लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया की पापों ने प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और सदा सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कर, नैर्गी आग से भी बचा। सारी आत्माएं जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। आवे मरिया, आवे मरिया, आवे मरिया, आवे मरिया, आवे मरिया। पांचवा भेद, प्रभु यीशु का मंदिर में पाया जाना। इस भेद में हम यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितगण और धर्म बहनों को समर्पित करते हैं। हे प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उन पर बरसाइए, ताकि वे तेरे कार्यों में दिनों दिन आगे बढ़ते जाएं और तेरे सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इस विशेष मतलब के लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। कन्या माता हम
नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से अब और मरण के पल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से आप और मरण के फल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से अब और मरण के पल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से आप और मरण के फल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से अब और मरण के फल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से अब और मरण के फल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से अब और मरण के फल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से अब और मरण के फल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे क्रूस यीशु से अब और मरण के फल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र कन्या माता हो पापों को क्षमा कर, नरक आग से हमें बचा। सारी आत्माएं जिन्हें तेरे पिता की बड़ी आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा हमें वाकी निर्वास संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते विलाप करते हुए दया जिसे कर, और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्व का फलेश हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेमाय, हे मधुर कुआरी मरिया। पवित्र कुआरी मरिया की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर।
प्रभु दया कर हम पर, दया कर पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर, दया कर पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर, दया कर पवित्र त्रित्व एक ईश्वर हम पर, दया कर संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर, कुवारियों की पवित्र कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर कृपा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति पवित्र माता हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसम्मति की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, सृष्टिकर्ता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, मुक्तिदाता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति चौकस कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, शक्तिमती कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, दयालु कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मनिष्ठ कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, धार्मिकता का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा का सिंहासन हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद का मूल हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति के उत्तम पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर, आध्यात्मिक गुलाब हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद का गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर, हंसी दंत का गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ण मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर, संधि की मंजूषा हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर का तारा हमारे लिए प्रार्थना कर, रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कर, पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों की दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्गदूतों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, धन पुरखों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, नबियों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, पीड़ितों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, शहीदों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मवीरों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, सब संतों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग में उद्गृहित रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, अति पवित्र माला की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, परिवारों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, शांति की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर, हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन, हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हम पर दया कर, हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर, कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं, हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है, हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन रहस्यों पर ध्यान करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं उसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। Oh, yeah.
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जो भी पीछे बैठे हुए हैं आप लोगों से निवेदन है कृपया आगे आ जाएं, ताकि जो भी पीछे आएंगे वो पीछे बैठने दीजिए, नहीं तो पीछे आने वाले भी पीछे पीछे चले जाएंगे। हमें सबको यीशु के नजदीक लेकर आना, इसलिए आप लोगों से निवेदन है जो भी पीछे कुर्सियों में बैठे हैं आप लोग आगे आ जाइए, नहीं तो पीछे आने वाले क्या सोचेंगे आगे जगह नहीं है, वे भी पीछे बैठ जाएंगे। कृपया करके सामने आगे का कुर्सियों को भर दीजिए, और जो भी नीचे बैठ रहे हैं यहाँ सामने तक आ सकते हैं। यीशु की वेदी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोगों से निवेदन है कृपया सभी लोग खड़े हो जाएंगे, प्रभु की स्तुति आराधना में हम भाग लेंगे। गाती रहे हर पल
हर शाम तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ पास आए, हम यीशु को ढूंढते भी यीशु के साथ रहने के लिए आए हैं। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ में वचन कहता है 73:28 का वचन कहता है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। वचन कहता है ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। जब हम ईश्वर के साथ रहते हैं हमारा कल्याण हो जाता है। इस समय हम यीशु के साथ रहने के लिए आए हैं। जरूर इस वचन की शक्ति सामर्थ्य हम में से प्रत्येक के जीवन में आ जाएंगे। जो ईश्वर के पास आते हैं उनका कल्याण होगा। आज हम सब यीशु के पास आए हैं, यीशु जरूर हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेंगे। विश्वास करें, प्रभु के आशीष हमारे जीवन में जरूर मिल जाएंगे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 84:5, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है। ईश्वर के मंदिर में
उनके गिरजाघर में रहने वाले धन्य है, धन्य है वे जो प्रभु से बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हम सभी लोगों को उनके ही पवित्र इस जगह पर उपस्थित रहने के लिए अनुग्रहित किया है। अपने आप को धन्य माने। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण मिला है, परंतु हम लोग प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उनके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें बल प्रदान करूंगा, मेरे मंदिर से मैं तुम्हें बल प्रदान करूंगा। हमें प्रभु ईश्वर अपने वचन की शक्ति से हमें बल प्रदान करते हैं, अपने पावन शरीर और रक्त के द्वारा हमें बल प्रदान करते हैं, क्योंकि हम यात्रा करते हैं, स्वर्ग की ओर यात्रा करते हैं। इसलिए प्रभु से इस वचन लेकर प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपसे बल प्राप्त करने के लिए आई हूँ। इस दुनिया में जीवन में मैं थक चुका हूँ, इस दुनिया में दौड़ में मैं पीछे हूँ, परंतु मेरे आध्यात्मिक दौड़ में मुझे आगे रहना है। इसलिए प्रभु जी मैं आपसे बल पाने के लिए आई हूँ। प्रभु से इस वचन देते हुए प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे आपके बल की जरूरत है, मुझे आपके शक्ति एवं सामर्थ्य की जरूरत है। प्रभु जी मुझे अपनी शक्ति से सामर्थ्य से भर दीजिए। हाथों को खुले रखे, प्रभु यीशु हमारे बीच में है, प्रभु यीशु हमारे सामने है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया जहां दो या तीन व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्रित हो जाते हैं उनके बीच में मैं निवास करूंगा, उनके साथ रहूंगा। प्रभु यीशु अपने वचन के जो भी वादा करते उसे पूरा करते हैं। जो वादा प्रभु ने हमारे लिए किए हैं वो वादा आज भी सच है। प्रभु यीशु इस वक्त हम में से प्रत्येक के सामने है, प्रभु यीशु हमसे मिलने के लिए यहाँ पर तरसते हुए रहते हैं। हमें देखने के बाद प्रभु यीशु खुश हुए, हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी आई है। इस वक्त जो प्रभु को हमने ढूंढते हुए आए हैं वो प्रभु हमारे सामने है। अनुभव करें उस प्रभु के उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें। आइए हम हमारे प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें।
हालेलुया 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 सभी लोग स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए हालेलुया 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 यीशुआ 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 यीशु 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 हालेलुया 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 ला 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 यार 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 इसलिए हम आपको धन्यवाद आपके इसलिए हम आराधना करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी आपने हम सभी लोगों को इस पवित्र जगह पर एकत्रित किया प्रभु जी वचन कहता है प्रभु जी वचन कहता है धन्य है वे जो प्रभु के प्रांगण में समय बिताते हालेलुया हालेलुया इसमें इस समय आपने हम सभी लोगों को अपने से प्रत्येक को यह वरदान दिए प्रभु जी आपके ही प्रांगण में रहने के लिए इस पवित्र जगह पर आपके साथ रहने के लिए प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह किया प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी आराधने हालेलुया हालेलुया इसमें जितने भी भाई बहन आए हुए हैं जितने भी भाई बहन आने वाले हैं रास्ते में है घर से निकल चुके हैं यहाँ पर आपकी गोद में आने वाले यीशु में हरेक को समर्पित करते प्रभु जी हरेक को समर्पित करते प्रभु जी यीशु हरेक अपने मन में दिल में अलग अलग प्रार्थनाओं को लेकर आ रहे प्रभु जी आपके आशीष पाने के लिए आ रहे प्रभु जी यीशु समर्पित करता प्रभु जी उन्हें आपके पावर क्रूस के नीचे लेकर आता है प्रभु जी यीशु अपने शक्ति से सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी हाला 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 सुधी कीजिए स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए वचन कहता है जीवित लोग ही ईश्वर की स्तुति करते हैं आइए हम सभी प्रभु ईश्वर की महिमा के कारण जीवित है इसलिए ईश्वर की स्तुति करें यीशु का नाम में शक्ति है जो यीशु का नाम लेते हुए छुटकारा मिल जाते छुटकार मिल जाते क्योंकि वचन कहता है प्रेरित चरित अत्याचार के बारे में वचन कहता है इस दुनिया में यीशु नासरी के नाम के सिवा और किसी के नाम पर तुम्हारी मुक्ति नहीं है यीशु के नाम पर हमारी मुक्ति है इसलिए प्रभु की स्तुति कीजिए हालेलुया 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 ये फादर शिगल भर शिगल राधरे 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 हालेलुया 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 यीशु आपकी शांति को हरेक प्रदान कीजिए प्रभु जी हरेक अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु जी जो भी आपके वचन सुनने के लिए आए प्रभु जी अपने जीवन के हर दुख को भूलने दीजिए प्रभु जी आपकी उपस्थिति से अपनी महिमा से हरेक को भर दीजिए प्रभु जी हाला 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 यीशु 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 में हरेक आपके अनुभव दीजिए प्रभु जी हरेक आपके अनुभव मिल जाए प्रभु जी यहाँ पर हरेक आपके अनुभव मिल जाए प्रभु जी हालेलुया हालेलुया स्पर्श कीजिए प्रभु जी स्पर्श कीजिए प्रभु जी हरेक हाथ को स्पर्श कीजिए प्रभु जी हाथ को आप ही पकड़ लीजिए प्रभु जी हालेलुया 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 आप आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु जी यहाँ से आपसे बल प्राप्त करने के लिए आए प्रभु जी हमें से प्रत्येक को अपने पवित्र फलों से भर दीजिए प्रभु जी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए प्रभु जी हाल 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 रब 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 ये फादर स्वर्ग खोल कर अपने स्वर्ग खोलकर अपने आशीष बरसाए प्रभु जी आपके आशीष लेने के लिए आए प्रभु जी कोई भी खाली हाथ नहीं जाना है आपके वचन सुनते ही इन्हें उनके 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 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए आपके वचन सुनते ही इनके जीवन में चंगाए होने दीजिए प्रभु जी आपके वचन सुनते ही इनके जीवन आशीषमय हो जाए प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी आमेन 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 हालेलुया आराधने 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 ईश्वर आराधने ईश्वर आराधने इस समय हम सभी पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करें आज के दिन को समर्पित करें आज के दिन हम जो भी वचन सुनने वाले हैं सभी जनों को समर्पित कर जिनके द्वारा प्रभु यीशु हमसे बोलने वाले हरेक को समर्पित करें पवित्र आत्मा से हम सभी भर जाए भिंदगोस्त के अनुभवों में मिल जाए उसी के लिए अपने आप को तैयार करें पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें पवित्र आत्मा की स्तुति एवं महिमा में अपने आप भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें सभी लोग ताली बजाते हुए सभी लोग ताली बजाते हुए पवित्र आत्मा को हमारे बीच से स्वागत है पवित्र आत्मा उतर आओ
हमें भर दो उतराओ अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो अग्नि ज्वाला समान उतरा सत्सनाहट के साथ उतरा अग्नि ज्वाला समान उतरा सत्सनाहट के साथ उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो जाति के लोग कांप उठे शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे जाति जाति के लोग कांप उठे शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे मेरे मन मंदिर में भी आग भरे जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे मेरे मन मंदिर में भी आग पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो अग्नि ज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा अग्नि ज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों बंदोगोश्त के अनुभव हमें से प्रत्येक को मिल जाए बंदोगोश्त के शिष्यगण एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे आदि तूफान के सो गया बाप पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में हरेक प्रेरितों के ऊपर उतर आए थे हम भी प्रभु के नाम पर यहाँ पर एकत्रित है वही अनुभव हमें भी मिले अग्नि के रूप में प्रभु ईश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमें से प्रत्येक को प्रदान करे हम सभी पवित्र आत्मा से अभिषेक में हो जाए ईश्वर हमें अभिषेक करे अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से इस्राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले इस्राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले जैसे कंटीली झाड़ी में तेरी याद उतरे उस आग में से मुझे को दीदार दर्शन ओ जैसे कंटीली झाड़ी में उस आग में से मुझको भी दर्शन दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से
हमें भर दो अति ज्वाला समान उतरा सनाहट के साथ उतरा अति ज्वाला समान उतरा सनाहट के साथ उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा आत्मा के साथ उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा पूर्ण भरोसे के साथ उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा विश्वास के साथ उतरा उतरा बुलाइए पवित्र आत्मा को उतरा उतरा आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतरा हो अभिषेक से हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक तैयार है हमें प्रभु से मांगना है कि पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भर दीजिए प्रार्थना के साथ गाते रहे अग्नि ज्वाला समा उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें सभी लोग हालेलुया 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 प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा से अब आपके पवित्र नाम पर पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी हालेलुया 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 यीशुए इस समय स्वर्ग खोल कर हमारे लिए पवित्र आत्मा को उतराने दीजिए प्रभु जी उतराइए पावन आत्मा इस समय जिस प्रकार आपने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय इस पंडाल के नीचे जो भी उपस्थित है प्रभु जी जो भी आने वाले हरे के ऊपर उतराने की कृपा कीजिए प्रभु जी हालेलुया 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 आइए पावन आत्मा शक्ति की आत्मा सामर्थ्य की आत्मा इस समय हरे को भर दीजिए प्रभु जी अपने उपस्थित हरे को भर दीजिए पावन आत्मा हर 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 हरे के हृदय को खोल दीजिए हरे के हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी जिसका हृदय कठोर है जिसका हृदय उतराइए पावन आत्मा प्रबोध के रूप में उतराइए उतराइए अरे के ऊपर पावन आत्मा हां हालेलुया यीशु आपने स्वयं कहा हालेलुया 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 रे
भर दीजिए प्रभु जी, आत्मा के वरदानों से भर दीजिए प्रभु जी, फलों से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। उतर आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। हमें भर दीजिए अपने वरदानों से, हमें भर दीजिए अपने मसीह से, अभिषेक अभिषेक अग्नि से, अभिषेक अभिषेक यीशु आपके मेरे नाम पर अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन आत्मा अपनी शक्ति से सामर्थ्य से भर दीजिए पावन आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस आदमी की महिमा हो रही है प्रभु जी। इस समय अपने दोनों हाथों को छाती पे लगाए, अनुभव करें प्रभु को हमारे जीवन में, अनुभव करें जो प्रभु को हमने बुलाए, पवित्र आत्मा को हमने बुलाए। यीशु हमें वादा किया, मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा प्रदान करें। हम सभी ने यीशु के नाम पर ही मांगे, क्योंकि वचन कहता है संध्योन के सुसमाचार रखता दिया 15:16 में, यदि तुम मेरे नाम लेकर मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। इस समय हम प्रभु यीशु के नाम लेकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किए। विश्वास कीजिए प्रभु ने अपने वादा पूरा किए। इस समय हमें अनुभव करना, अपने डर से दूर हो जाए, क्योंकि वचन कहता है जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतराएगा वह तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य से भर देगा। इस समय हमें से प्रत्येक जीवन में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के वरदान दिए। हमारे बपतिस्मा के समय हमें मिला, हमारे दृढ़करण संस्कार के समय हमें मिला, हरेक संस्कार के समय हमें प्रभु ने प्रदान किए। परंतु जब हम उसे बुलाते हैं और भी वे हमें अपने शक्ति और सामर्थ्य से और भी भर देते हैं। इस समय अनुभव करें, धन्यवाद दे प्रभु को, उनके वरदान के लिए धन्यवाद, उनके वरदान के लिए धन्यवाद, स्तुति एवं आराधना करें, मन ही मन प्रभु को धन्य करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की आराधना हो, पिता ईश्वर की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र त्रित्व की स्तुति हो, पवित्र त्रित्व की स्तुति हो, पवित्र त्रित्व की आराधना हो, पवित्र त्रित्व की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। शालोम अलोकिम, हालेलुया हालेलुया। सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। सब लोग बैठ जाइए, लगी अच्छा मौसम में बढ़ जाएगी कृपा करके। स्तोत्र ग्रंथ वही वचन में और एक बार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। स्तोत्र ग्रंथ 73:28 वचन कहता है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। हालेलुया। किसके साथ रहने में हमारा कल्याण है? किसके साथ रहने में हमारा कल्याण है? ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ रहने में किसका कल्याण है? हमारा कल्याण है। हालेलुया। जो ईश्वर के साथ रहते हैं उनका कल्याण हो जाएगा। हम सभी धन्य हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए आज भी यहां पर उपस्थित हैं। वचन कहता है जो ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है, मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूं। कहां पर आए हम? ईश्वर के शरण में आए हैं। मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा।
जो ईश्वर के शरण में आ जाते हैं वह सब ईश्वर से ईश्वर के सभी कार्यों के लिए उनकी महिमा करना है। क्यों हम ईश्वर के उनके ही घर में आ जाते हैं? वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 63 का 3 में वचन कहता है, मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मैंने तेरे मंदिर में तेरा यानी ईश्वर के दर्शन किए। हम सब ईश्वर के दर्शन पाने के लिए यहां पर उपस्थित है और प्रभु को ढूंढते हुए आए हैं। वचन कहता है ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूं। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सुखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम ईश्वर के दर्शन के लिए तरसते हैं? हाँ या ना? हाँ। क्या हम ईश्वर के लिए ईश्वर के दर्शन के लिए तरसते हैं? हाँ। क्यों क्यों ईश्वर के दर्शन के लिए तरसते हैं? हमारी आत्मा जो प्रभु ने दिया है वह ईश्वर के दर्शन के लिए तरसती है। क्यों? क्या कारण? ईश्वर से हमें शांति, ईश्वर से हमें शांति मिलती है। और कुछ उत्तर? उनके बिना कुछ भी नहीं है, वे हमारा जीवन दाता है। और कुछ कारण? क्यों हमारी आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी है, उनके दर्शन करने के लिए लालायित रहती है? हाँ सही है। तो उसके नाम में हमारा कल्याण है। वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का 27 वचन कहता है ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया है और उन्होंने उनके नथनों में अपने प्राण वायु फूंक दिया है। हमारे अंदर जो प्राण वायु जो आत्मा है ईश्वर ने दिया है, इसलिए हमारी आत्मा हमेशा ईश्वर के दर्शन के लिए तरसती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी आत्मा ईश्वर की जीवन ईश्वर के लिए प्यासी है। वो हमेशा कहती रहे मैं कब जाकर ईश्वर का दर्शन करूंगा। जब कभी हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं हमारी आत्मा बहुत खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें ईश्वर के दर्शन मिल जाते हैं। हमें हमेशा हमेशा हमारी आत्मा हमें हमेशा ईश्वर के दर्शन के लिए आगे जाने के लिए कहती है, परंतु हम कभी कभी पीछे हट जाते हैं। आज हम आत्मा के प्रेरणा से हम सभी यहां पर आए हैं प्रभु को और एक बार अनुभव करने के लिए, प्रभु के शांति को अनुभव करने के लिए, प्रभु के हाथ को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हम सभी आए हैं। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और वचन में हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 84 का 3 में वचन कहता है प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है, मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवन ईश्वर की स्तुति गान करता हूं। और आगे 11वां वचन कहता है हजार दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में बिताना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता हजारों दिन और के रहने की अपेक्षा एक दिन, तो मतलब क्या है? जब पेत्रुस का पहला पत्र संत पेत्रुस हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 का 15 पढ़ लीजिए। आपको जिसने बुलाया वो पवित्र है, हाँ। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को हम अपने दाहिने हाथ उठाते हुए दोहराएंगे। आपको आपको जिसने बुलाया, जिसने बुलाया वह पवित्र है, वह उसके सदृश अपने समस्त पवित्र बने क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो
क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है हम सभी प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किए, बपतिस्मा ग्रहण करते वक्त हमें से हर एक के सिर के ऊपर एक सफेद कपड़ा रखा गया था। बपतिस्मा में बपतिस्मा संस्कार को देखे क्या आप लोग? मतलब दूसरे यानी अपन अपने बचपन के समय लिए होंगे, या दूसरे लोग जब बपतिस्मा लेते हैं, दूसरे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, उस समय उसके सिर के ऊपर सफेद कपड़ा रखते हैं। उसका प्रतीक क्या है? पवित्र है। इसलिए वचन कहता है जो ईश्वर ने आपको बुलाया हो पवित्र है। इसलिए उस कपड़े रखते वक्त पुरोहित कहते हैं इस वस्त्र को अंतिम दिन तक उज्जवल बनाए रखना है, पवित्र बनाए रखना है, इसे दूषित नहीं करना है। इसलिए वचन कहता है जो ईश्वर ने आपको बुलाए वो ईश्वर पवित्र है, इसलिए आपके सभी कार्यों में आपको पवित्र बनना है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कल से हम ईश्वर के वचन सुनते हुए आ रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाना। आज भी और भी वचन सुनेंगे, जीवित वचन। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 के बारे में वचन कहता है कि ईश्वर का वचन जीवित वचन, सशक्त वचन है, किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है, वे मनुष्यों के अंदर तक घुसता है। इसलिए हमें ईश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, उसे अपने हृदय में संजोए रखना है, और अपने जीवन को अपने जीवन में पवित्रता की ओर हमें आगे बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हमारे बीच में एक भाई अपने गवाही देने के लिए आ रहे हैं, उस भाई को भी हम मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रभु को समर्पित करें, और साथ ही साथ ब्रदर मरिया जोसेफ को भी हम प्रभु को समर्पित करें। मां मरियम के मध्यस्थ मांगते हुए आइए, हम जो भी वचन सुनने वाले उसके लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम 3 बार प्रणाम मरिया प्रार्थना बोले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य दृष्टियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य दृष्टियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मैं करूं आराधना करूं,
इंदौर डायसिस के आत्मा दर्शन चैनल के साथ कार्यरत हैं। वे अपने जीवन के साक्ष्य देंगे, प्रभु ने उन्हें कैसा स्पर्श किया है और उनका जीवन कैसा बदल गया है। हम सबों को भजन मालूम है ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन
बदल गया, ऐसे बदल गया हुआ एक जीवन है हमारे प्रिय भाई फेमिन जेफ का जीवन। हम इस वक्त तालियां बजाते हुए उन्हें वेदी की ओर स्वागत करें। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि स्वयं अपने जीवन के अलग अलग बातों के बारे में जरूर आपको बताएंगे। हम एक क्षण खड़े हो गए, अपने दाहिने हाथ ऊंचा उठाकर हमारे प्रिय दोस्त फेमिन जैकब के ओर उठाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं हम सब हमारे आवाज ऊंचा उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें ताकि प्रभु हमारे फेमिन भाई के द्वारा हमसे बातें करें, प्रभु की कृपा उनके द्वारा बने रहे हमारे जीवन में। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने अभिषेक किया हर एक वचन हर एक शब्द हर एक आवाज है प्रभु आप अभिषेक कीजिए ताकि जैसे हम उन्हें सुनेंगे आपकी शक्ति बल सामर्थ्य पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे सामने हमारे बीच में हमारे दिल में हमारे जीवन की परिस्थिति में बने रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे प्रभु अभिषेक के द्वारा मिला हुआ तेरा कृपा से फेमिन को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से सांस में तेरा नाम रहे मेरी सांस में तेरा नाम रहे हे प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मैं करूं आराधना संस्कार चालू है। फादर लोग बैठे हुए होंगे जो भी पाप स्वीकार करना चाहते हैं कि जो भी आज हम कल के मिसा बलिदान में अपने मन्नत लेकर मिसा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं जो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं ग्रोटो के पीछे वाले स्टोर में वहां पर लोग बैठे हुए हैं आप लोग वहां जाकर अपना नाम भी दर्ज करवा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। सुबह सुबह की टाइम है घर से आए हो।
यीशु जय यीशु जय यीशु बहुत कम पढ़ रहा है जय यीशु जय यीशु। जैसे कि फादर ने बताया, मेरा नाम प्रवीण जेकब है, मैं केरल का हूँ, लेकिन अभी पिछले एक दो साल से यहाँ एमपी में काम कर रहा हूँ, चैनल में ही काम कर रहा हूँ। तो जैसे फादर ने मेरे को बोला कि तुम तुम्हारे जीवन के बारे में बताओ, तो मैंने बोला ठीक है बता दूंगा। तो मैंने फादर को एक कंडीशन दिया था, कंडीशन ये था कि फादर मैं ज़्यादा बाइबल का जो है वो बोल नहीं सकता। इसका कारण क्या है ये मैं आपको इसके आखिर में बताऊंगा। तो फादर ने बोला अगर इतने कुछ कर रहे हो सकता है, ट्राई तो करो एक बार। मैंने बोला फादर अभी इतने बड़े कन्वेंशन चल रहा है, इतने सारे भीड़ आने वाले हैं, तो मेरे जैसा एक बच्चा क्या बोल सकता है। तो फादर ने मेरे को ये बोला, जेरेमिया का 19वां अध्याय 11 वाक्य, कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़ सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशमय भविष्य की योजनाएं, आशा में भविष्य की योजनाएं। जैसे फादर ने मुझे ये बताया, बोले कि जब तक तुम स्टेज पे आ रहे हो, वचन भूलने के लिए तुम आ रहे हो, तब तक तुम्हारे दिल में इसको ऐसे बोलते रहो, बोलते रहो, तुम बोलना शुरू हो जाओगे। ठीक है, कल सुबह मेरे को बोला था लेकिन नहीं मिला, मौका नहीं हुआ। कल रात को ब्रदर ने मुझे बुलाया, बोला कि कल सुबह तुम्हारा है। रात को 2 बजे तक बैठा रूम में, तैयारी की, बहुत लिखा, ऊपर नीचे पूरा देखा, जो भी यूट्यूब में आता है पूरा देखा, सब कुछ किया, बहुत सारे फादर लोग के, सिस्टर लोग के, और जो भी प्रवचन देते हैं इन सबको सुना, सब कुछ तैयारी की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में आज सुबह मैंने जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, आत्मीय गुरु, सही है, उनसे मैंने बात की। मैंने बोला फादर जी ऐसा एक मामला है, क्या करूं मैं? तो उन्होंने बोला 10 मिनट के बाद मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूं, मैं मिस्सा के लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूं। तो मैंने चलो ठीक है बोला। वो आए, कॉल किए और मुझे बताया जेरेमिया यही वचन, तुम वहां जाके खड़े हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कहानी का शुरुआत यहां से है, जब मैं 5 साल का था, क्या तुम लोग तुम्हारे बचपन की यादें तुम्हारे मन में है? 5 साल की उम्र के बोल सकते हो ना, ये सबसे अच्छा टाइम है वो, है ना? कोई कुछ ज्यादा डांटता नहीं है, मारता नहीं है, ऐसा होता है? हफ्ते में 1-2 बार तो पिटता होगा, सही है ना? लेकिन मेरे बारे में बोलूं, मुझे कम मिला है। बात यह था कि मैं केरल का हूं, जन्म केरल में हुआ, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई हुआ था गुजरात में। तो बस ऐसे ही, अन्य देश, अन्य भाषा, अन्य लोग, कोई ज्यादा पता नहीं। मैं, पापा, मम्मी, तीनों जन आवारे लोग, आवारे देश, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं। 3 साल तो ऐसे कट गए मेरे, 8वां साल हुआ मेरा,
कक्षा एक पे मेरा एडमिशन हुआ स्कूल में। जैसे हिंदी हम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलना है, सही है। तो जब मैं हिंदी बोल रहा था तो ऐसे बोल रहा था कि कुछ अजीब सा है कि जो मल्लू लोग हैं जब भी हिंदी बोलते हैं हम जब भी हिंदी सीखते हैं हम हिंदी बोलते हैं तो उस पर एक स्पेशल स्टाइल आता है, उसके अंदर एक मोड चेंज होता है उसके अंदर। ऐसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं लेकिन हम मलयालम के साथ बोलते हो। अगर आपके कोई दोस्त लोग हुए तो आपने बिल्कुल उनको सुना होगा हिंदी बोलते हुए, है ना। तो जो भी बोलते हैं हम खींच खींच के बोलते हैं। तो मैंने भी ऐसे बोलना शुरू किया, बस ऐसे ही जिंदगी आगे जाने शुरू हो गई। पापा का एक फैक्ट्री में नौकरी मिला, मम्मी को तो बस ऐसे हाउसवाइफ थी वो, और मैं तो सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, यही चलता था पूरे साल जिंदगी भर। उसके बाद ऐसा एक दिन आया जब ही गुजरात में भूकंप हुआ था, साल याद है कौन सा, किसी याद है? 99 में हुआ था। तो वो टाइम में क्या हुआ था, हम सब अपने अपने घर वापस लौटने की तैयारी हो गई। पापा मम्मी नहीं आए, पहले मेरे को घर भेजा, केरल भेज दिया मेरे को, मैं गया उधर स्कूल में एडमिशन हुआ, उधर पढ़ा, और वहां से बस एक ही मेरी मन्नत थी। वो टाइम में क्या हुआ था, जब भी एक और बार कारगिल वार भी आया था बीच में, याद है, ये अपना भूकंप से पहले एक बार कारगिल वार हुआ था, याद है ना, कौन सा साल हुआ था वो, 98 में हुआ था कि 97 में हुआ था, 98। तो क्या हुआ कि हम जब हम वहां पे स्कूल में पढ़ रहे थे तो हम लोग पूरे ये काम कर रहे थे कि ये कारगिल में जितने भी नष्ट हुए हैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जैसे कि अभी आजकल बाढ़ आती है तो केरल में भी पिछले 2 साल से बाढ़ आ रहा था ना, तो हम सब लोग उनके लिए कुछ कर रहे थे, वैसे ही कर रहे थे, तो हमें भी अच्छा लगा। और मैंने जिंदगी में एक छोटे से मैंने एक फैसला लिया, जब मैं बड़ा बनूंगा 18 साल का हो जाऊंगा तो पहले सबसे पहला मेरा काम होगा क्या, डिफेंस में ज्वाइन करना, हथियार लेके घूमना, अपने देश के लिए काम करना, ये सब था मेरे दिल में। लेकिन जैसे मौसम बदलता है अपना जिंदगी भी बदलना शुरू हो गया। उसके लिए क्या, जब केरल में वापस पहुंच गया था तो उसके लिए मैं ऐसा करता था, वहां पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं स्कूल पे, स्पोर्ट्स होता है, एनसीसी होती है, स्काउट होती है, सब में गया, सब में खूब खूब सर्टिफिकेट मैंने कमा लिया। जहां पे भी घुसने का मौका मिलता है पूरा घुसा, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। बड़ा हो गया, कॉलेज में जाना शुरू हो गया, तभी भी ये मन्नत मैंने रखी डिफेंस में जाऊंगा, नहीं हुआ। उसके बाद सोची चलो ठीक है, अभी डिफेंस को लेके क्या करना है, कुछ और देखते हैं। तभी आया था एक नया टेक्नोलॉजी आया थे, जो भी आजकल हम सब उसके पीछे बैठे हैं, यहाँ पे इंटरनेट। सोचे चलो ठीक है कुछ उसके बारे में सीखते हैं। तो वो टाइम में ये जानने वाले ज्यादा नहीं है, सिखाने के लिए भी ज्यादा जगह नहीं है, इंस्टीट्यूट भी कम है, स्कूल में तो होता है, शिक्षक होता है, छोटे से होता है, चलता है। तो उसके पीछे भागा, वो भी ऐसे ही अंत हुआ, उसका जितना कोर्सेस पढ़ना है पढ़ लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो भी पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ, मौका मिला ही नहीं। उसके बाद गया
जहां पे एयरहोस्टेस बनने गया, पढ़ाई की, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद गया कहां पे, विदेश, इंडिया के बाहर गया, दोहा कतर सुना ना आपने, कतर, वहां गया, 6 साल वहां बिताया। लेकिन मेरे को जब मैं कतर जाने के बारे में मैंने सोचा था, तो जिसने मेरे को इंटरव्यू लिया था, जो कंपनी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मेरे से पूछा था कि तुम्हें भाषा आता है क्या, हिंदी आता है? बोला थोड़ा बहुत तो आता है, ठीक है। गया कतर गवर्नमेंट में पीआरओ बना, पीआरओ यानी जानते हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना, 6 साल काट दी, 6 साल उधर को उधर ही। लेकिन एक मौका भगवान ने मेरे को दिया, 18 राज्य में घुमा, 10 से ज्यादा भाषा मैंने सीखी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वापस आया, अभी शादी का उम्र है, शादी के बारे में घर वाले सोचने शुरू हो गए, शादी किया, जिससे मैंने शादी किया वहां से मेरे जिंदगी का पलटी मारना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पलटी इसलिए मारा क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली है, मेरी धर्म पत्नी, वो एक ऐसा विश्वासी है माता मरियम की, ऐसा विश्वासी है जो मेरे से ज्यादा उसको भरोसा रखती है। और वो टाइम में मेरा ऐसा हालत था, रविवार के दिन मिस्सा जाना, चल ठीक है जाते, लेकिन वो कौन सा रविवार को जाना होता था मालूम है आपको, जब हमारे पल्ली का फीस्ट होता है, तभी 3 दिन धूमधाम से मजा लो, फिर अगले साल मिलते हैं, क्रिसमस के दिन रात को जाओ मिस्सा के लिए, पल्ली के बाहर बैठो, मिस्सा के बाद जो भी खाने के लिए मिलता है खाओ, फिर रात तो बज गया है, घर आओ, घर में नहीं आता हूं, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूं, पार्टी बनाना, घूमते और फिरना, बस यही था। जब से शादी हो गई, जिंदगी का एक पहला हिस्सा, तब तक मैं क्या था, कैसा था, वो बस एक ही दिन में पलट गया। कितने दिन में? एक ही दिन में। वो पलटना ऐसा पलट गया था कि मेरे घर वाले या जो मुझे वो टाइम में जानते थे उन लोग तक मानते नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बात ये था कि अपने जीवन में कुछ ऐसे समय होता है जो हमें वापस ही नहीं मिलता। ऐसा हुआ था एक दिन कि मेरे मम्मी ने मेरे एक दोस्त को बोला कि भैया वो तो हमसे ज्यादा तुमसे बात करता है, तुम्हें मानता है, तो थोड़ा उसको सुधार दो, उसको बुला के थोड़ा बिठा के आप समझा दो, अभी शादी हो रहा है उसका, तो बस थोड़ा बहुत तो सुधरने के लिए बोलो, पूरा तो नहीं बोलूंगा मैं उसको। ये भैया ने मुझे फोन करके बोला कि भैया तेरे मम्मी ने मुझे कॉल किया था, बोला कि तेरे को सुधारने के लिए। गुस्सा आ गया, और ऐसा गुस्सा आ गया था कि पुलिस लॉकअप में से मैं पिछले दिन सुबह निकला। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। बात बस मैंने इतनी करी थी, अपना घर गया, मम्मी पापा बैठे थे वहां पे, मम्मी से दो शब्द मैंने पूछे, आपने भैया को फोन किया था? नहीं। क्यों? आपने भैया को इतने ये दिन इतने बजे इतना मिनट आपने बात करी थी? नहीं। किसे बोला? पागल, रात को चढ़ा के आया है क्या? चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया दूसरी बात है, जवाब दो मेरे को, हाँ या ना। हाँ है तो ठीक है, ना है, ना है तो क्या करेगा तू? ठीक है मैं अभी आता हूं। गया, आधा भरा था, पूरा भी भर दिया, वापस आया घर में, फिर से पूछा, कुछ भूला है? हाँ कह दो, पूरे सबूत के साथ आया हूं, कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, आपकी आवाज है, हाँ मैंने बोला था, बस इतना ही मेरे मम्मी और पापा को याद है। फिर क्या हुआ था मालूम है? जब मम्मी ने मेरे को ये बोला, माँ ने मेरे को बोला, हाँ बोला है मैंने, क्या हुआ उससे? इसके बद हमारे घर में अपने बाहुबली मूवी देखा है? देखा है ना, वो काली गाय आता है तो बाहुबली कैसे इसको मचाता है ना, अच्छा धूमधाम करता है ना। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं किया, बस इतना ही किया, घर के अंदर जितने शीशे हैं पूरा फोड़ दिया, जो मिक्सी ग्राइंडर जो भी था सब उठा के दूसरे वाले खेत पे फेंक दिया, फ्रिज को पलटी डाल के उसके ऊपर खड़ा होके उसको कूद कूद के उसको दरवाजे को मैंने एकदम अड्डा बना दिया। घर वाले चिल्लाने लगे, जो मेरा दोस्त बचपन से जब से मैं केरल में आया हूं तब से मेरे साथ था, वो जैसे मैं बड़ा हो गया तो वो भी बड़ा हो गया है ना, बड़ा तो होना ही है। उसने एक बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, क्या किया मालूम है? सीधे पुलिस थाने में फोन करके बोला मेरे घर के बाजू में एक पागल है। पुलिस वाले आए, मैं भागा, खेत कूद के दीवार कूद के मैं भागा, लेकिन बीच रास्ते में मैं गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों गिरा था मालूम है? क्यों गिरा था मालूम है? ऐसा कोई लोहे का हाथ या पैर नहीं है मेरे को, जब भी कोई शीशा में मारते तो कुछ तो लगता है। फादर, अस्सी धागे लगे थे मेरे शरीर पे, स्टिच, हाथ पे यहां इधर, जो ऐसे मारा था ना इधर, पैर पे, सब जगह। और ऐसे हालत में मेरे को घर में लेके आया कि घर वाले, मेरा जो भाई है उसने मेरे को बोला कि मम्मी पापा एक दो घंटे में आके छू के देखते जिंदा है ये, कल सुबह बना दे। सुबह उठा तो मेरी मौसा का लड़का आया मेरे पास, तो एक नर्स है वो, उसे देखा, वो बोलता कि मैं एक नर्स हूं, कई तरीका का मैंने देखा है, छोड़ देखा है, गहरी छोड़ सब कुछ देखा है, लेकिन ये प्याज काटा हुआ जैसा प्याज काटते ना सलाद के लिए, ऐसा वाला छिलका हुआ एक इंसान को नहीं देखा है। क्योंकि मेरी ये जो उंगली है, ये जो उंगली है इसका हड्डी बाहर था। हालेलुया। पाप स्वीकार के लिए फादर लोग उपस्थित है, जो भी पाप स्वीकार करना चाहते हैं कृपया बाजू वाले पंडाल में जाकर आप लोग पाप स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हॉस्पिटल गया, पहले दृष्टि में डॉक्टर ने बोला नशेड़ी है, शीशा तोड़ा है, मतलब मान लिया यार, अच्छा डॉक्टर है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। और बात ऐसा था कि सुबह उठते ही जो कल रात का बाकी था उतर गई थी, बैटरी तो चार्ज करना ही है,
दर्द तो ऐसे हो रहा था कि क्या बताओ, अभी उतना अच्छा हो रहा था, वो चढ़ा के गया था, डॉक्टर बोला है इंजेक्शन दू दे दो, दोनों में एक ही काम तो होता है, हाथ ऐसे करो, ऐसे किया, लेकिन ये डॉक्टर ने इंजेक्शन के बहाने क्या किया था मालूम है, जो जब भी कुछ गहरी चोट होती है तो उसको धागा डालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, सही है, एक तो मेरा रिचार्ज फुल था तो डॉक्टर ने लगाया कि नहीं लगाया मुझे मालूम नहीं था, लेटने बोला लेट गया, हाथ ऐसा रखो ऐसा रख के दिया, बोला था इंजेक्शन कर रहा हूं थोड़ा दर्द होगा, ठीक है अभी इससे ज्यादा क्या दर्द हो रहा है, ये डॉक्टर ने बिना सुई का मेरे को धागा डाल दिया हाथ पे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति। हॉस्पिटल से बाहर आया, फेसबुक पे पहला पोस्ट डाला, सब लोग फेसबुक में जब भी सेल्फी लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, है ना, मैंने भी ऐसे ही लिया था, कमेंट ऐसा आया कि बंदूक लेके खड़ा है, क्योंकि हाथ में पूरा पट्टी बांधी हुई थी, तो जैसे ही बाहर आया था घर के, जो मैंने पहले बोला था कोई मेरा इंतजार कर रहा है, कौन, कल रात से कोई मेरा इंतजार कर रहा था, कौन, बोतल तो हो गई अभी तो नहीं है, बोतल का तो मामला हो गई है, जो मेरा गहरा दोस्त ने मेरे लिए एक तोहफा रखा था कहाँ पे, पुलिस थाने पे, वहां से मेरे आए घर वाले, बच्चे चलो थोड़ा काम है आपसे, लेके गए मेरे को साथ पे, और बता दिया, बताया मेरे को क्या क्या तमाशा मैंने बना के रखा था अपने घर में, याद तो है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बिना याद है, सब कुछ याद था कल रात का, लेकिन बात यह हुआ था कि जब मैंने एक बार शीशा तोड़ा था उसमें से एक छिलका वन पीस ऑफ ग्लास वो थोड़ा उड़ के मेरी मम्मी की यहां पे लग गई, केस थोड़ा कठिन बन गया, तो वो टाइम में एक ऐसा टाइम था कि मुझे अपने ये पॉलिटिकल पार्टी से जो राष्ट्रीय नेता है इनसे मेरा अच्छा दोस्त भी था, एक नेता आए अपने लड़के को पकड़ के रखा है, हाँ इसका कंप्लेंट है कि माँ का है, सब मैं आता हूँ कि वो जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है, दोपहर तक मैं वहीं बैठे रहा थाने पे, शाम हो गई मम्मी पापा वापस आए थाने में, मारा पीटा कुछ नहीं बोला, कुछ बोला तक नहीं, बस एक इशारा दिया मेरे को, आजा आजा करके बोला, मैं गया मम्मी पापा के पास गया, बहुत दुखी थे हम लोग क्योंकि एक 22 साल का लड़का ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ धूमधाम हो सकता है, ये सब सोच के हुआ। मम्मी ने जो कंप्लेंट दिया था वापस ही ले ली, थाने से मैं छुट गया, उसके बाद एक दो हफ्ता तो अपने घर में ही था, कहीं बाहर नहीं गया, आजू बाजू वाले को मिलने में शर्म आती है, घर वालों से बात करने में शर्म हो रहा है, रिश्ता आते हैं जाते हैं बस अपने घर के अंदर रूम के अंदर बस और कुछ नहीं, लेकिन वो टाइम में जीवन का दूसरा हिस्सा हो रहा है। एक और बात, मौका आ रहा है मेरे लिए, ये सब तमाशा हुआ तो क्या हुआ कि 15 या 18 साल से मेरे पापा पल्ली नहीं जाते थे, मेरी मम्मी मेरी माँ हर रविवार को जाती है, त्योहार के लिए जाती है,
जब जब मौका मिलता है तब पूरे जाते हैं, कभी कभी छुपा छुपी में भी जाते हैं। बात यह था कि पापा को उतना कुछ भरोसा नहीं था भगवान पे, बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये हुआ था, ये जो पूरा ये पिक्चर बना था, तो मम्मी ने पापा से बात करी कि बोला कि मुझे एक रिट्रीट के लिए जाना है। तो गए घर के वहां से थोड़े दूर एक जगह है, वहां पे गए। तो वही टाइम में मेरे पापा का बहन का एक छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका जो दाएं पैर है उसको ऑपरेशन हो गया था, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो गया था, लंबाई थोड़ा कम हो गया था, तो उनको किसी के सहारा चाहिए। तो मम्मी वो बहाना बना के ये दोनों मिलके जाने के लिए प्लान कर रहे। तो पापा ने तो हाँ ही बोला है, पापा का बहन है, पापा ने हाँ बोला। और बहन का लड़का मेरे पास आया और मेरे को बोला कि चल मेरे साथ, एक जगह तक जाना है। तो ठीक है, रविवार का दिन है, मिस्सा के बाद तो रिचार्ज होना ही है। रिचार्ज करने गया, रिचार्ज किया, घर में ढंग से बैठ के नींद की तैयारी हो रही थी, ये आके मुझे बुलाया। जितना कुछ मैं बोल सकता उतना मैंने उसको बोला, आखिर में चला गया उसके साथ। लेकिन वहां से मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में है ये रिट्रीट सेंटर। बीच में रिचार्जिंग शॉप है, 5 या 10 के नीचे है रिचार्ज शॉप है। जहां जहां से मैं गुजरा था पूरा जगह सबको हाय बोल के गया था। मैं इतना घिला होके मैं वो पल्ली पहुंचा था कि मैं अभी किसी के सहारे के बिना खड़ा नहीं रह सकता, उतना घिला हो गया था मैं। अभी आंटी का लड़का ने जाके उनसे बात करी, बोला कि अभी मेरी माँ को ऐसा ऑपरेशन हुआ है, दो लड़की मीन्स मेरी माँ है और उसका वहाँ भी है, तो उसने बोला कि उनको एक सेपरेट रूम चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो ये पूरा फुल हो गया है, पूरा जितना भी आना था सबका नाम लिख के रख दिया है, पूरा मोहल्ला फुल है, आपको चाहिए तो डॉर्मेट्री है। बोला नहीं, डॉर्मेट्री से कैसे होगा। तो मैं उधर एक ऐसे ही बंदल के साइड पे जो एक लोहे का होता है उस पर ऐसे साइड बन के खड़ा था मैं। ये आके मेरे को बोला, अरे यहाँ पे तो काम नहीं चल रहा है, जाग गया शेर अंदर का, ऐसा मेरी माँ को यहाँ पे रहने के लिए रूम नहीं देंगे, ऐसा कौन, किसने बोला तेरे को। बोला वो जो उधर एक पुरोहित खड़ा है वो है यहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि रूम नहीं है, डॉर्मेट्री चाहिए तो ले लो, ये तो ठीक है अगली बार आना। ऐसा कैसा हो सकता है यार। वो देखा था उनको, एक सुंदर सा टकला वाला एक शरीर, एक मुंडी, एकदम गोरा गोरा, और एक ब्राउन कलर का अपने जैसे फादर लोग पहनते हैं वैसा, कपूचिन फादर्स थे वो। उनके पास गया, बात किया मैंने, लेकिन जैसे मैं बात कर रहा था जो मेरे करीब खड़े थे वो एक एक सेकंड में एक एक कदम पीछे जा रहे थे, वो एक एक कदम पीछे जा रहे थे वो, क्योंकि अगर वो 5 मिनट से भी ऊपर मेरे साथ खड़े रहते तो ऐसा उनका हालत हो जाता कि 2 दिन के लिए वो उठेगा नहीं। बात करी, धूमधाम मचाया उधर, आंटी के लड़के को बोलो कुछ नहीं चाहिए, ये बस बकवास है पूरा, क्या सुनने जा रहे हो, वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला, वापस आ जाओ। वो टाइम में एक दूसरे सिस्टर है वहां के जो इंचार्ज है अकोमोडेशन मीन्स आपको रहने खाने का जो इंचार्ज है, वो आए और इसको बोला कि बेटा एक रूम खाली है लेकिन वहां पे एक ही बेड है, एक ही बेड है, वो मेरा रूम है, आप ले लो। तो इसने मुझे ठीक है, जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको खाली बेड चाहिए, जो साथ में मेरी माँ है उसके लिए बेड नहीं है। तो मैं उससे झगड़ा होना शुरू हो गया मेरा, तूने तेरी
मम्मी के लिए बेड ठीक कर दी और मेरी मम्मी नीचे सोए, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं चाहिए, चल वापस चल। फिर फादर ने आके मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को बोला तू इधर आ पे। यार इंसान है ऐसा कैसा है ये, इसलिए मुझे लेके जा रहे, नहीं पता मेरे को। मैं गया, मेरे साथ गया, उन्होंने मुझे समझो कि अपना जो ग्रोटो है वहां से लेके स्टेज तक मेरे को लाया, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दिया। बोला यहाँ पे बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ करके वो गए। मैं उधर बैठ बैठ के मैं सो गया, रात हो गई, मेरी मम्मी आके मेरे को बोला घर जा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बीच में क्या हुआ था मालूम है आपको? ये जो फादर है इन्होंने क्या किया, अपने पल्ली का जो गाड़ी है मेरे घर छोड़ा, वहां से मम्मी और आंटी को बिठाया, वापस लेके आए ये रूम में, उनको पूरा जो भी चाहिए सब कुछ करके दिया और उन लोग वहां पे रिट्रीट में जो उनका एडमिशन करना है वो सब हो गया, उन लोग वहां पे हो गए। अब मैं इनको कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? वो उन लोग अंदर घुस गए कि ये फादर जानता था जब तक मैं नहीं सोऊंगा तब तक वो इधर नहीं आएंगे, मैं आने ही नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा कहानी है, अच्छा लग रहा है? थोड़ा खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत ही हुआ है। मम्मी ने पूरा प्रवचन पूरा सुना, चार दिन का पूरा रिट्रीट में ढंग से बैठा, सब कुछ हुआ। चौथा दिन घर आए, मेरे को बोला वहाँ के जो फादर है उन्होंने बुलाया कि जिसको कंप्यूटर आता है वो उनके मीन्स अगर आपके किसी बेटा या बेटी है किसी को कुछ कंप्यूटर आता है तो उनको यहाँ पे बुलाओ, मेरे को यहाँ पे छोटा सा काम है आप भेज सकते हो करके बोला। ठीक है, वो आए, क्या हुआ? मेरे को बोला कि वो फादर ने ऐसे बोला है, काम कर, फादर का नंबर मैं देता हूँ, जरा उनसे तू एक बार बात कर। मैं क्यों बात करूँ, आप गई हो आप बात करो, मेरे को तो छोड़ो। नहीं तो एक बार कह रहा है ना, एक बार बात कर। मैंने बोला है उनको कि तू आज शाम को फोन करेगा, चल ठीक है, अभी इतना कुछ जिद कर रही है तो ठीक है। फोन किया, नहीं उठाया फादर ने, फिर से किया, नहीं उठाया फादर ने। दूसरे दिन मैंने फिर से मेरे को बोला फोन कर उनको, फोन किया, नहीं उठाया। फिर से शाम को कॉल कर, नहीं उठाया फादर ने। मैंने बोला अब मेरे को मत बोलना, जितना मेरा लिमिट था हो गया, आपने बोला मैंने माना मैंने किया, लेकिन भगवान नहीं चाहता कि मैं उनसे बात करूं। रविवार के दिन मिस्सा में गया, वापस कुछ जल्दी काम से घर वापस लौट के आ गया। रिचार्ज की तैयारी चल रही थी दोस्तों के साथ, रिचार्ज हो नहीं रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, यानी मोबाइल था सिम भी था लेकिन करंट नहीं था। तैयारी चल रही है, कुछ नहीं हुआ। दोपहर का मेरे करीबन 2 बजे होंगे लगभग, कॉल आया, इसका नंबर है मालूम नहीं, फोन उठाया, बात किया, कौन? मैं फादर हूँ, आपका मिस कॉल आया था मेरे को इसलिए फोन किया, कौन है तू? मैं कौन हूँ? मेरे नंबर पे फोन करके मेरे को पूछते हो कि मैं कौन हूँ, आप कौन हो? उन्होंने नाम बताया, मैं ये रिट्रीट सेंटर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है। जैसे यहाँ पे जेएसयू बोलते हैं वहाँ पे हम भी हमारे भाषा से बोलते हैं, ईशो मिसिहा एकिम सुधियारी कहते हैं, अंदर से नहीं बस ऐसा एक तरीका है इसलिए बोल दिया। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने मेरे को बोला कि सोमवार के दोपहर के बाद 4 बजे आ जाना, तुमसे मिलना है। ठीक है, गया ऑफिस में से निकला, गया उनसे, 8 साल हो गया अभी उनसे मिलके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको मिलने के बाद 2 महीने मैंने किसी और के लिए काम किया था,
किसके लिए? किसी और के लिए, मतलब किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी और के लिए काम किया था। लेकिन जिंदगी का तीसरा पलटी आ गया। वहां पे हमने ऐसे ही छोटा मोटा एक मिनिस्ट्री शुरू की 8 साल पहले। शुरू की तब से लेके 2011 या 12, तब से लेके आज तक मैं बस एक ही बॉस के लिए काम कर रहा हूं। किसके लिए? किसके लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चलता था जिंदगी, शादी हो गई, जो भी जैसे कन्वेंशन होते हैं उनके साथ जाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, प्रोफेशन के टाइम में उनको हेल्प करना, ये सब हो गया। भगवान के करीब आना शुरू हो गया मेरा। जब तक कि बोले तो अभी मुझे उतना खुशी का टाइम नहीं था मेरा। जितने मेरे दोस्त लोग थे सब उड़ उड़ के चल रहे थे, और मैं सुबह घर से आता हूँ, फादर के साथ बैठता हूँ, शाम को जाता हूँ, वापस आता हूँ, बस यही चलता था मेरा जिंदगी में। लेकिन वो टाइम में मेरे मम्मी पापा को एक परिवर्तन हो गया। जो लड़का 40,000 रुपया कमाता था, अभी हफ्ते में 2,000 रुपया कमा के आ रहा है। कितना रुपया? पागल है। फादर को जो चाहिए करके दे, उनके पीछे पीछे क्यों जा रहा है? हफ्ते में एक दो दिन जा, हर दिन क्यों जा रहा है? अब मैं क्या करूं? फसाया किसने था मेरे को? किसने फसाया था मेरे को? हाँ, किसका? मेरा, है ना। अभी अगर मेरे को वहां से निकलना है तो कौन निकलवा सकता है? कौन? मम्मी। मैंने बोला आप एक काम करो, फादर को आके मिलो, फादर से बात करो। मम्मी आई, फादर से बात किया, फादर ने बोला भूल जाओ, बस वही हो जाएगा इसका काम। अभी इसको हाथ पे दे दिया ना, चलेगा अभी। 2000 तो बहुत बहुत महंगा है, तो ज्यादा ही है, इसके लिए तो ये काफी है। तो मम्मी ने बोला शादी हो गया है, बच्चा हो रहा है, 2000 में इसका हो जाएगा? हो जाएगा। मम्मी कुछ आगे पीछे नहीं बोल सकती, क्योंकि एक पंडित बैठी है सामने, कैसे बोलेगी, जिद भी नहीं कर सकता। घर में आके मेरे को बोला अब तू आगे क्या करेगा, तू जिंदगी कैसे बिताएगा, बीवी है, बच्चा है, तेरे बच्चे के लिए कुछ करना है, क्या करेगा, कब तक जिएगा अपने बाप के छाये पे। फिर से मैंने बोला किसने फसाया मेरे को, किसने फसाया था मेरे को? मैंने बोला था लेके जाओ, मैंने बोला था नहीं, क्या हुआ? अपना सन फिलिपी के पत्र ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 19, पढ़ो जरा। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमानित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
फादर के साथ ये काम होना, सब जगह जाना, सब कुछ गया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, ऐसा ही जिंदगी आगे चलते 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 आखिर में क्या हुआ पता है? एक ऐसी एक रात आई जिस रात को मेरे एक दोस्त ने मेरे को बुला के बोला कि तेरे लिए एक ब्रदर आके बैठे हैं, उनको जरा तेरे से बात करना है। मैंने बात करी उनसे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को एक एक्सीडेंट होने वाला है। बोले ऐसे कौन से बात है, नहीं होगा मेरे को, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा चढ़ावा था, रिचार्ज नहीं, फिर माना नहीं उनको, बाइक लेके गया, एक्सीडेंट हो गया। तभी मैं था, आईसीयू में पड़ा था मैं, बस दो दिन के बाद बाहर आ गया। और वो टाइम में अपने केरल के एक मशहूर फादर ने एक प्रवचन यूट्यूब में डाला था, वो प्रवचन बहुत अच्छा था। मेरे को प्रवचन ये था कि भगवान जब भी हमें कुछ देता है तो बहुत अच्छी तरीके से देता है, अच्छा हो या बुरा हो, सही है कि गलत है, सही है। उन्हें ये बोला था, सब लोग, हम सब लोग भगवान को कब देखते हैं मालूम है? कब देखते हैं? कभी दुख तकलीफ आने पे। लेकिन उसके लिए भगवान ने अपने ये पृथ्वी पे एक शोरूम खोला है, एक दुकान खोला है। क्या है उसका नाम, क्या है मालूम है? जानते हो उसका नाम क्या है? ICU। समझ में आए? हॉस्पिटल में लिखा रहता है ना ICU, लेट लेट के बोलते ना भगवान ये क्या हुआ क्यों हुआ, ICU। उसके बाद क्या हुआ, वापस ऐसा ही मिनिस्ट्री आगे चलने लगे। और उसके बाद जब 25-26 साल का हो गया था, शादी हो गई थी, तो शादी हो गई थी, ये जब से मेरा जन्म हुआ ये 26 साल तक मैंने जो भी काम किया था, जितने भी मैंने सीखा ये सब किया था, कुछ सफल नहीं हुआ था मेरा, कुछ भी सफलता में नहीं हुआ। लेकिन ये 26 साल में एक काम भगवान ने मेरे को हाथ पे दिया था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो काम ये था, जो मेरे फादर हैं जिसके साथ मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, उनको ऐसे एक रिट्रीट था, तो वहाँ पे एक यूथ के लिए था, बच्चों के लिए था वो, तो उसमें मेरे को बोला गया कि फिर अभी एक दो घंटे का टाइम गैप है, एक काम करना, तू अभी तो इंटरनेट पूरा चलाता है, काम पूरा करता है, बच्चे हैं, वैकेशन का टाइम है, उनको थोड़ा सिखा दे, जो तेरे को आता है वो उनको सिखा दे। ठीक है, गया पहली बार, 100-200 बच्चे बैठे हैं स्कूल के, माइक लिया, घबराहट हो रही थी, क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, दो घंटे बिताना है मेरे को, बिताया, ढंग से बिठाया, जो कुछ मुंह में आ रहा था सब कुछ बोल बोल के उनको बिठाया। लेकिन जो मैंने उनको बता रहा था, ये बता रहा था कि मोबाइल क्या है, इंटरनेट क्या है, फेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, इसके बारे में बता रहा था, वहां के टीचर लोग को अच्छा लगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फादर ने आके मेरे को बोले, काम कर यूथ मिनिस्ट्री का, तू देख शुरुआत है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होने वाला है, चलता है, देख। बोला, घबराहट हो गया मेरे को, जो मैं बोल रहा था वो कुछ ऐसा चीज है जिसको ग्रहण करने पे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही है कि गलत है। तो मैंने फादर को बोला, फादर एक काम करता हूं, अपने यहां पे जो रिट्रीट के लिए आते हैं पुलिस वाले सर हैं, उनसे मैं जरा एक बार बात करता हूं,
उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। फादर ने बोला ठीक है मैं भी तेरे साथ आता हूँ। फादर आए, उनसे बात किए, तो वो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का कमिश्नर थे, वो पुलिस कमिश्नर थे, और जो मैंने क्लास लिया था वो साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल, सोशल मीडिया, इसके बारे में था। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट से, इसके बारे में था। तो सर ने बोले एक काम करो, अगले हफ्ते में नया बैच का रिलीजिंग हो रहा है, नया बैच आ रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करके आ रहे हैं, एक मैं मौका मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तुमने वो मौके का सही सलामत उपयोग किया तो देखा जाएगा। तो फादर ने बोल दिया ठीक है एक मौका दो देखा जाएगा। मौका मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सामने बैठे हैं पुलिस वाले, अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो गया, फिर तो सोचना ही नहीं है। जिसके लिए मैंने एक दो हफ्ते से लिए मैंने जो भी तैयारी की सब निकल जाएगा हाथ से। जिस भरोसे से मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरे को अभी इतने दिन मेरे साथ रहे के जो कुछ भी मुझे ट्रेनिंग दी, जो कुछ भी मेरे लिए किया था, सब चला जाएगा, पानी में मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो टाइम में ये हुआ था, क्लास लिया, उसके अंदर एक सर को एक समस्या हुई थी, उनके मोबाइल से एक समस्या हुई थी। तो ये क्लास के बाद उन्होंने मेरे को बोला ये समस्या तू निपटा दे, बस क्लास को छोड़ दे, ये समस्या तू निपटा दे, तेरे को हम कुछ करके देंगे। ठीक है, समस्या निपटाने लगा, हाथ पे पुलिस वाले का फोन है, पूरा ऐसे ऐसे हो रहा था, टेंशन था, क्या करूं कैसे करूं, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में 10-15 मिनट के बाद में जो उनके मोबाइल में दिक्कत था उसका वजह मैंने उनको समझाया और उनसे बात करके बोला कि आइंदा ऐसा मत करना। 7 साल हो गए, 7 साल से आज तक आज का ये दिन यहाँ पे कांजबेड़ा माता के ये जो शरण पे मैं आके खड़ा हूँ, आज तक मैंने 1 लाख से कम बच्चों को क्लास लिया है, 500 से ज़्यादा पुरोहितों को क्लास लिया है, 600 से ऊपर बच्चों को क्लास लिया है। अभी फिलहाल में भारत के जितने कुछ मेरे को जानते हैं, पल्ली पुरोहित वाले जितने मेरे को जानते हैं, उन सब के जो मिनिस्ट्री के काम आते हैं करके देता हूँ। अभी पिछले साल मैं यहाँ पे आया था, ऐसे ही आया था लाइव के लिए, तो मैंने फादर से बात करी थी, तो फादर को मैंने बोला था कि फादर अभी घर मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ, तो अभी मैं केरल से यहाँ पे इतना दूर आ गया हूँ, तो मेरा एक मन मीन्स मुझे एक इच्छा थी कि जैसे मैं केरल में मिनिस्ट्री कर रहा था यहीं पे भी करूँ। तो फादर ने बोले एक काम कर, तो अगले साल भी तू जरा वहाँ पे माता के शरण में आ जा। ठीक है फादर, अगर मैं MP में हूँ मैं आ जाऊँगा, या फिर अगर मेरे को आने का कहीं बाहर नहीं गया, इधर हूँ, आने का मौका है, मैं आ जाऊँगा। फादर बोला, तब से लेके आज तक बहुत सारे बच्चों को मैंने क्लास लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले महीने 2 तारीख को मैं जा रहा हूँ वाराणसी, जानते हो वाराणसी? वाराणसी में कुछ परिवार लोग आ रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ऐसे ही क्लास लेना है, उनके लिए ऐसे जा रहा हूं। तभी मुझे एक बात समझ में आया था,
कि भगवान ने मुझे ये सब सिखाया था, ये सब मेरे हाथों से करवाया था, ये सब कुछ मेरे लिए मेरे को सिखाया था। किसके काम के लिए? किसके काम के लिए था वो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरा बच्चा 6 साल का है, अभी उसकी यही एक मन्नत है, उसको हम पूछते हैं तू बड़ा हुए क्या बनेगा, डॉक्टर की इंजीनियर। वो अभी बोलता है मैं बड़ा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक पुरोहित बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब ये सब हुआ तभी मुझे कुछ आगे पीछे कुछ पता नहीं चला क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने अपने फादर से मैंने बात करी, पूछा उनसे ये सब कैसे हुआ क्यों हुआ, उन्होंने मेरे को बताया जब भगवान किसी को छूता है फिर उसके ऊपर से हाथ वो निकालता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बस अभी मेरी ये एक ही ख्वाहिश है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बस ऊपर वाले के लिए काम करूँ और जितना मेरे से हो सके उतना मैं उनके लिए करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग एक बार खड़े हो जाएं। आंखों बंद करिए, हुआ
यीशु का वचन चुराने वाला वचनकारी हुआ। यीशु का वचन चुराने वाला धरा का सागर यीशु को आत्मा से आराधना। धरा का सागर यीशु को आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना।